हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजकीय हॉस्पिटल बाड़मेर में हेपेटाइटिस सी के मरीजों के डायलिसिस मशीन का हुआ लोकार्पण। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन एवं पीएमओ ने किया लोकार्पण। राजकीय हॉस्पिटल बाड़मेर में हेपेटाइटिस सी के गंभीर मरीजों के लिए डायलिसिस हेतु हॉस्पिटल में सेवा शुरू हो गई है। इस हेतु अत्याधुनिक डायलिसिस मशीन का लोकार्पण बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने किया। इस अवसर पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि राजकीय हॉस्पिटल बाड़मेर में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु हम निरंतर प्रयासरत है। विधायक जैन ने कहा कि मुझे खुशी है कि अब हेपेटाइटिस सी के रोगियों को डायलिसिस हेतु बाड़मेर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैन ने कहा कि कोविड के विषम हालातों में बाड़मेर के डॉक्टर्स की डेडिकेटेड टीम ने दिन रात मेहनत करके काबिले तारीफ कार्य कर पूरे प्रदेश में नजीर पेश की है। निर्माणाधीन आईसीयू वार्ड का किया अवलोकन। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने भामाशाह पृथ्वीराज सिंह कोढ़ू द्वारा निर्माणाधीन आईसीयू वार्ड का अवलोकन किया। गौरतलब है कि भामाशाह पृथ्वीराज सिंह कोलू द्वारा राजकीय हॉस्पिटल बाड़मेर में 1 करोड़ से अधिक लागत से नवीन अत्याधुनिक आईसीयू का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान विधायक जैन ने राजकीय हॉस्पिटल में विभिन्न वार्डों का दौरा कर मरीजों की कुशलक्षेम पूछी। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।